थैंक यू वेरी मच जी मिस्टर चेयरमैन सर। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अपने मुद्दे की बात कहने से पहले मुझे लगा कि दिल्ली के जो एक बटा चौथाई मुख्यमंत्री हैं वो कहानियां सुनाते, तो मैं भी आज एक शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की कहानी दिल्ली की जनता को और देश की जनता को सुनाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ इस जगह पर बैठे हुए, संसद में बैठे हुए बहुत से लोग हैं शायद अनभिज्ञ हैं इस कहानी के बहुत सारे रहस्यों से, और जिसमें ये रहस्य है कि एक आम आदमी का नाम और वेशभूषा धारण करते करते कोई शीश महल में रहने वाला नवाबजादा कैसे बन गया। और वही कहानी इस बिल के मूल में है, और वो कहानी है कि एक व्यक्ति जो खड़ा होकर कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, 53 करोड़ का घोटाला करके शीश महल खड़ा करता है दिल्ली के उस क्षेत्र में जहां पर आप ईंट नहीं लगा सकते। 6,000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6,000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6,000 करोड़ से ऊपर का बजट दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट का है। उसकी मीटिंग जब 21 तारीख को रखी जाती है तो ये नवाबजादे वहां पहुंचते नहीं, कहते मैं और राजनीतिक गतिविधियों में राजस्थान में उपस्थित हूं तो आप इसको बढ़ाइए। उसकी तारीख 23 की जाती है, 23 को भी ये उस वहां पर नहीं पहुंचते, फिर उसको बढ़ाकर 26 या 30 की जाती है, और उसमें कहा जाता है कि मेरे जगह पर, मेरे बिहाफ पर आतिशी मरलेना इसको अटेंड करेंगी। आतिशी मरलेना जो दूसरी मंत्री है वो भी नहीं पहुंचती 30 तारीख को, और उस तारीख को बढ़ाकर 6 तारीख को कर दिया जाता है जब दिल्ली के अंदर कम पानी छोड़ने पर बाढ़ आ जाती है। 2 साल से दिल्ली फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई, और जब 3 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया, दिल्ली में बाढ़ आ गई, 8-8 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ा गया, तब बाढ़ नहीं आई। ये बात मैंने इसलिए शुरू की कि आज जब यहां बैठे हुए लोग जिक्र करते हैं दिल्ली का तो वो भूल जाते हैं कि दिल्ली राज्य नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा एक चौथाई मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले तो आधी ताकत कोर्ट ने ही मान लिया कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ऑल दीज इश्यूज विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ले दे के एक विषय बचा था जिसके ऊपर सारा झगड़ा है, सारा मामला फंसा सर्विसेज के ऊपर। और जब सर्विसेज की बात आई तो सर्विसेज क्यों आवश्यक हुई, मेरे से पूर्व में बोलने वाले मेरे अन्य दल के मित्रों ने कहा कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अब अगर हम सब मानते हैं कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने निर्णय में तय किया है कि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी का अधिकार रखती है, वो स्टेट नहीं है, और यूनियन टेरिटरी चाहे दिल्ली हो या पौंडीचेरी हो सेंटर का उसमें अधिकार है। और जब विल ऑफ द पीपल की बात आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बड़ा तो विल ऑफ द पीपल कोई और रिप्रेजेंट नहीं करता, प्रधानमंत्री से बड़ी विल तो एक शहर का मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट नहीं करता, जहां पर 7 सांसदों को चुनकर भी इसी दिल्ली की जनता ने भेजा है। तो जब ऐसी ऐसी मुश्किलें आती हैं दिल्ली में, मैं कोविड याद दिलाना चाहती हूं या बैठे हुए सब लोगों को, पूरे देश की रिक्वायरमेंट कोविड से पहले ऑक्सीजन की 972 मेट्रिक टन थी पूरे देश की, जो लिक्विड ऑक्सीजन की, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए होती थी LMO की। कोविड आया, भाई साहब ने एक तो अस्पताल नहीं बनाया, किसी की कोई मदद नहीं की, भोजन की व्यवस्था नहीं की, कोई काम नहीं किया, और ले देकर क्योंकि दिल्ली कैपिटल सिटी है, पूरा देश और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं की निगाह यहां लगी रहती है, तो केंद्र सरकार को कूदना ही पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई सांसद काम नहीं करेंगे, सांसद बेचारे इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाती है तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई 972 मेट्रिक टन दिल्ली के लिए बहुत अधिक है, हम इतनी सिर्फ दिल्ली को नहीं दे सकते, पूर्वोत्तर के राज्यों से जहां पर आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां से ऑक्सीजन को काट करके लाना दिल्ली। और आप अंदाजा लगाइए कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, क्रायोजेनिक टैंकर्स
हवाई जहाज, ट्रेन, सब कुछ लगाकर ऑक्सीजन लेकर आए और लाकर दिल्ली के बॉर्डर पे ऑक्सीजन खड़ी कर दी। बोला जी बताइए कहां भेजनी है, तो उसकी अव्यवस्था थी, इनको पता नहीं था कहां भेजनी है। और जो प्राइवेट अस्पतालों की अपनी व्यवस्था थी ऑक्सीजन लाने की, खरीदने की, उसको तहस नहस करके इन्होंने सरकारी अस्पतालों में वहां पर भेज दिया जहां पर कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की थी। दिल्ली के अंदर जब मेडिकल चीजों की व्यवस्था की बात आती है तो एम्स केंद्र सरकार चलाती है, सफदरजंग केंद्र सरकार चलाती है, लेडी हार्डिंग, लेडी इरविन सब केंद्र सरकार चलाती है। कई लाख करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार करती है, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय करता है। जब इनको कहा गया G20 है, सड़कें ठीक कर लो, तो कहते हम पैसे नहीं देंगे। 700 करोड़ रुपया रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने दिल्ली को दिया है। तो अब आप पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर केंद्र का हस्तक्षेप कैसे? दिल्ली के अंदर केंद्र के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली चल ही नहीं सकती, क्योंकि शीश महल में रहने वाले नवाबजादे ने 13,500 करोड़ रुपया सिर्फ होर्डिंग पोस्टर के ऊपर खर्च करना तय किया है, और इसलिए ये बिल लाना पड़ा। और ये बिल लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली की जनता जवाब हमसे मांगती है। आप जैसों के घर में जब पानी भर जाता है तो आप भी एनडीएमसी को फोन लगाते हैं, दिल्ली सरकार को फोन नहीं लगाते। 70,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में होता है तो उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी। इस एक्ट के, इस बिल के मूल में जो भावना है वो भावना यही है कि एक व्यक्ति, सबने जिम्मेवारियों की और तमाम चीजों की बात की, एक व्यक्ति नवाबजादा बन गया है आम आदमी कहते कहते, और वो भूल गया है कि चुने हुए नेता, चाहे कॉरपोरेटर हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली से एमएलए हो, चाहे एमपीज हो, सबकी जवाबदेही अपने लोकतंत्र में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति है। और यहां पर अपनी सब चीजों से हाथ जोड़कर कह देना कि भैया केंद्र की सरकार काम नहीं करने देना चाहती, हम तो करना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं, जैसे इससे पहले मेरे कई मित्रों ने कई सारे उदाहरण दिए हैं, मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगी, पर एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इनके पास 400 करोड़ रुपया नहीं है तो कौन काम नहीं करने दे रहा? एक तरफ कहते हैं हमने इतने स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, केंद्र सरकार के खड़े हुए कॉलेजेस और स्कूल्स वो केंद्र सरकार ने बना के दिए, 300-300, 500-500 करोड़ केंद्र सरकार ने लगाया, जाके अपनी फट्टी टांग के आ जाते हैं। तो अब ये सब अगर केंद्र सरकार करेगी तो काम करवाने का अधिकार भी उसके पास है। और इसके मूल में असली कहानी शीश महल की कहानी है, असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स की कहानी है। असली कहानी है कि बिना, आप बताइए, मुझे नहीं मालूम, सबको बहुत एक्सपीरियंस है वैसे, राज्य सरकारें चलाई हैं, और जब ये लोग मॉरालिटी की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 90 बार 356 को इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना करें तो बेहतर है। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। नहीं, अरे मजाक की बात है, मजाक की बात है। एक मिनट सर 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 मैं जो कहना चाहती हूँ, टूल्स ऑफ गवर्नेंस कि यहाँ पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा, आप देश की जनता को चूना लगाते रहेंगे और सीबीआई काम नहीं करेगी, आप गुंडागर्दी करते रहेंगे दिल्ली के अंदर, अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है तो राइट्स करेंगे और पुलिस काम नहीं करेगी, क्या ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं? अल्टीमेटली ये सब टूल्स ऑफ गवर्नेंस है, और टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस अगर इस्तेमाल नहीं होते इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि ये टूल्स आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। और आज जब दिल्ली की बात आती है, जब इस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट की बात आती है, तो मैं इस इनैक्टमेंट में एक चीज याद दिलाना चाह रही हूं, क्योंकि मैंने कहानी शुरू की थी शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की। तो शीश महल में रहने वाले नवाबजादे कहा कि 370 पेज मेरे पास हैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो वो 370 पेज तो खो गए, उन 370 पेज का तो हिसाब किताब कहीं आया नहीं। और आज विडंबना देखिए, उन्हीं के हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं,
उन्हीं के साथ अलायंस की जा रही है, उन्हीं के साथ गठबंधन किया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार को कैसे रोकने के बजाय कैसे बढ़ावा मिलता रहे और कानूनी व्यवस्था। और जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बीमारी होती है तो थोड़ा लाचार कर देती है पर लाइलाज तो नहीं होती, इसी तरीके से संविधान के अंदर लाइलाज कुछ भी नहीं है। अगर बीमारी पैदा होगी तो उसका इलाज भी होगा, और खास तौर पे दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेंगू की बीमारी फैलाने का काम किया, कोरोना की बीमारी फैलाने का काम किया, काम नहीं करने का काम किया, इलाज तो होगा ना उसका भी, और ये उसी का इलाज है। आप अंदाजा लगाइए, मैं बाढ़ की बात बार बार लेके आ रही हूं, बाढ़ की बात में 6,500 करोड़ रुपया फ्लड डिपार्टमेंट का खर्च हो जाता है, 250-260 लोग उसमें काम करते हैं, और जब बात की जाती है तो हरियाणा ने नहीं किया, उसके बीच पंजाब आता नहीं, हिमाचल ने काम नहीं किया, बाकी सब ने काम नहीं किया, ये बहुत खास है इन्होंने काम किया। और फाइनली जब उसमें मिलिट्री को इंगेज करना पड़ता है, आर्मी को लाना पड़ता है, आर्मी के गोताखोर लगते हैं, तो लास्ट लाइन पहले होता है 20 घंटे लगातार काम करने के बाद में आज वो बराज के गेट खुले और वो बराज के गेटों से सक्शन पंप लगा के कंप्रेसर लगा के हमने सिल्ट को हटाया। तो भाई सिल्ट कलेक्ट कैसे हुई जब 6,500 खर्च हो गया, ये तो समझा दो। और मिलिट्री के गोताखारों को बाद में धन्यवाद। आप 20 घंटे ऐसे पढ़ के लगता है कि जैसे 20 घंटे यही गोता लगा रहे थे पानी में। तो यही कारण है कि इस एक्ट को लाना पड़ा। और सर्विसेज में जब लेके आए तो सर्विसेज में लाने के पीछे, हाँ मैं इससे पहले अपने मेरे कुछ मित्रों ने कहा है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, मिलिशियस लेजिस्लेशन है। तो जिन्होंने ये दो शब्द यूज किए हैं, टारगेटेड और मिलिशियस, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये पर्पसफुल लेजिस्लेशन है, और वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है लेजिस्लेशन को बनाते हुए कि फॉर अचीविंग द पर्पस। एंड व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक नीड्स एंड नेशनल नीड्स, बिकॉज दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी वेयर बैलेंस नीड्स टू बी केप्ट बिटवीन द लोकल एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज वी आर अ कैपिटल सिटी। सो इट इज अ पर्पसफुल लेजिस्लेशन टू अचीव द बैलेंस बिटवीन टू मेथड्स ऑफ गवर्नेंस। द सेकेंड आस्पेक्ट हैज बीन दैट थ्रू आउट देर हैव बीन मिसस्टेटमेंट्स बाय लॉयर्स, बाय प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, बाय रिपीटेडली सेइंग दैट इट इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर। ईदर दे हैव नॉट रेड और दे आर मिसलीडिंग। आई विल गो बाय द सेकेंड, दैट दे आर मिसलीडिंग, मिसस्टेटिंग एंड मिसकोटिंग। India is a quasi-federal structure, which is what constitution demarcates. India is not federal. The center will always have a primacy. Otherwise, to govern a complicated state, as complicated as India is, as diverse as India is, will not be possible. That's why the Parliament of India, the center government of India, has been given the primacy even in the constitution. And this parliament has every business, every right to correct the wrong and bring the right law. The next thing, concept of states will be power and responsibility. I'm purposely addressing what the argument have come from the other side. So power and responsibility. I would say if a person by whichever method has come to power and becomes irresponsible, will the parliament, I'm so sure, will of the people, we have also seen ballots being rigged. So don't tell me whichever you don't understand. We also understand how panchayat elections have been conducted in West Bengal. So don't tell me all this. I think people of this country are mature enough. So when power vests with people who act irresponsibly, will this parliament not have the power to correct that wrong and tell people what their responsibility is, to make people answerable to the very people who have elected you? So the answer is power and responsibility. The balance needs to be struck,
and that balance is what this legislation is seeking to address. Unaccountable, irresponsible. I mean, these are the words used. So I would go by that the somehow the power structure in Delhi has been unaccountable and irresponsible by the manner in which the neutral bureaucracy has been dealt with. I do not know, I mean, I can only quote a great example of our own Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat, and we know how all kinds of cases, fake cases, etc., were made, and how those chief secretaries used to be appointed by the central government. Did they beat them up? Did they take them to a corner? Did they assault them? Answer is no. You don't do that. You battle it out in the court of law. You battle it out by the method which is prescribed by law. But here the chief secretary, here the bureaucracy had been put under immense pressure to do the wrong. Arvind Kumar, a person, a bureaucrat working with the office of Deputy CM, is a witness in the case of Sharab Ghotala. Sharab Ghotale mein gawahi uski hai ki kis tarike se kone mein le jaakar pressure kiya jata tha, galat kaam karwaye jate the. Uska kya koi ilaaj nahi niklega? कि आप गलत काम करवाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे. अभी अभी पिनाकी जी ने पढ़ के बताया, जजमेंट में एक्साइटेड है, 400 से ऊपर लोगों को आपने बिना सर्विस कमीशन के, स्टेट सर्विस कमीशन होता है, सेंट्रल सर्विस कमीशन होता है, बिना सर्विस कमीशन के, बिना वैकेंसी निकाले, बिना कुछ किए अपने रिश्तेदारों को एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए की नौकरी दे दी. बाकी लोग क्या करेंगे जी? इस देश में इतने लोग बैठे हैं जिनको नौकरियां चाहिए, काम चाहिए. आप अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे, उसका इलाज है. और एक सवाल इन्होंने किया, 3 साल 10 साल, अरे एक्सटेंशन, क्योंकि वो आपके आदरणीय अध्यक्ष जी, 370 पेज का नाम इन्होंने लिया था शीला जी के खिलाफ. जिस तरीके के घोटाले इन्होंने किए हैं, वह 3-3, 5-5 हजार पेज है. वो 3-3, 5-5 हजार पेज के लिए उसको एक्सटेंशन देनी पड़ती है, क्योंकि इतने मोटे मोटे घोटाले किए. नाउ कमिंग टू द मीट ऑफ द मैटर, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ट्राई टू कंक्लूड आल्सो प्लीज सर. आई विल. सो द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज ब्रॉट इन 1956, सेवरल चेंजेस हैव कम एंड फाइनलिटी इज 2023, where Supreme Court gives control over services to Delhi government, and then ordinance was brought, and now people are saying, why was ordinance brought? Because act could have been brought, bill could have been brought. There was a gap of about 6-7 months, 5-3 months. So my point is, within less than 24 hours, when the Sheesh Mahal Ghotala was being investigated by the Vigilance Department, that not just that officer, 70-80 officers were transferred overnight. Now, these are the officers which were investigating the scam. And because they were investigating the scam, overnight, they tried to circumvent the scheme of governance and transfer those officers. Thus, there was a need to bring in an ordinance, and after bringing an ordinance, the bill has been brought in, and this bill has been brought in to correct the status. So the statutorily, so why was this brought in? This bill has been brought in to statutorily balance the interest of nation with the interest of Union Territory of Delhi in administration of the capital, by giving purposeful meaning to the manifestation of democratic will of the people reposed both in the central government as well as GNCTD, that is National Capital Territory Region of Delhi. So by virtue of this, what has really happened is that a particular body, National Capital Civil Services Authority, has been established. And this National Capital Civil Services Authority will have 3 members. Chief Minister, who is not just the Chief Minister, but also the presiding officer of this committee, of this authority.
will have a member secretary who is a secretary, member secretary of home secretary of the state of Union Territory of Delhi is going to be the member secretary. Then chief secretary of Delhi, because he is the principal officer dealing with administrative issues. What can it do? It can deal with transfers, postings of officials and disciplinary matters. Sole discretion on several matters, including those related to National Capital Civil Services, summoning, prorogation, dissolution of Delhi Legislative Assembly. This is all what has happened. Now, being the capital of Delhi, being the capital of India, Delhi had been administered by the President of India directly earlier. And a sui generis status was, however, conferred on Delhi, whereby it retained the union territory nature and with a legislature. A lot has been quoted on 239A, entry 43, list 2. Now the judgment, which has been off-quoted, I'm reading that part. So judgment says, in the absence, and I'm sure people familiar with legal procedures know that any judgment records all kinds of arguments and all kinds of facts, and then it gives certain specific subject matter related statements. So where it says, in absence of any specific parliamentary legislation dealing with the subject of services as contained in entry 41 of list 2 of the 7th schedule specifically and in detail, the Honorable Supreme Court was pleased to pass a judgment on such and such date, and whereas in view of its special status as a national capital, a scheme of administration has to be formulated by parliamentary law to balance both local and national democratic interests which are at stake, which would reflect the aspirations of the people through joint and collective responsibility of both the government of India and government of National Capital Territory of Delhi. So this statutory balance, the interest of nation with interest of union territory, will give purposeful meaning to the manifestation of democratic will. Our constitution, the formation of Delhi as a union territory, is unique in itself. It may be remembered that every union territory is administered by the president acting through an administrator, and while any UT may have an elected body, it does not diminish the supreme control of the president and the parliament over them as per the constitutional scheme. Adaniya Adhyaksh ji, iske andar इस मामले में जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं और या जो दानिक्स हैं उनके ऊपर पोस्टिंग और इन सब चीजों का अधिकार जो है वो केंद्र का है, सेंट्रल सर्विसेज, और उसके अलावा जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर जो बॉडी रहेगी वो ओवरसी करेगी. इनके अपॉइंटमेंट्स वैसे होंगे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा और उनका वर्ड जो है वो सर्वोपरि होगा, ओनली इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अदरवाइज रायशुमारी से ये काम होगा, और रायशुमारी करने में कोई बुराई नहीं है जी, दैट इज व्हाट बैलेंस इज ऑल अबाउट. एंड दिस बैलेंस ऑफ पावर टू गिव जिम्मेवारी एंड टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट दिस लेजिस्लेशन इज ऑल अबाउट. अंत में मैं एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं, और वो बात है कि जिस तरीके से इन्होंने ये तमाम चीजें की हैं, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मिस गवर्नेंस, तो ऐसे में अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और जिनको इन्होंने चौकीदार का नाम दिया था, तो जो चौकीदार की सरकार है वो चौकीदार तो चौकीदारी पूरी करेंगे और नवाब को भी जवाब तो देना ही पड़ेगा जी, और जिम्मेवारी से बच नहीं सकते. थैंक यू श्री रंजीत रेड्डी जी.